आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल के प्रशिक्षणार्थियों के लिए गीजर के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में बताया जाएगा, उसकी विधि के बारे में और क्या क्या सावधानियां बरतनी है वह। इसके पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर ITC या ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस है। तो ITI दिघा जो है वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और बाकी बिहार में जितने भी प्राइवेट ITI है उनको ITC बोला जाता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, जो ITI दिघा के द्वारा कंट्रोल होता है। दूसरी बात ये है कि ITI का सर्टिफिकेट कहाँ से आता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इस सर्टिफिकेट को अवार्ड करती है, और NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इसकी सर्टिफिकेट इसके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। ITI करने वाले विद्यार्थी को मुख्य दो बात का ध्यान रखना है, वो अपने कोर्स के भीतर ITI का एग्जामिनेशन पास करेंगे उसके भीतर वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जरूर ले लें, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहने पर आपका सर्टिफिकेट ज़्यादा वैल्यूबल होगा। और अगर आपके पास सिर्फ ITI की डिग्री है, मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, तो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो ITI की है उसकी वैल्यू जॉब और के हिसाब से कम पड़ जाएगी, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री आपके इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को देखेगी। ERBJ चैनल पर इतने जो इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस के लोड किए जा रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि लड़के लॉकडाउन में भी वो इसके पार्ट्स को वीडियो में देख लें और किसी दुकान से कांटेक्ट करके वो अपना हर पार्ट को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आइए हम चलते हैं आज के गीजर के रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क पर, इसकी क्या विधि है। सबसे पहले गीजर के डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करें। नंबर सेकंड में पावर प्लग को हटाने के बाद गीजर में इलेक्ट्रिकल टर्मिनल कनेक्शन और थर्मोस्टेट को लगाने के लिए निरीक्षण कवर खोलें। नंबर थर्ड, पावर कॉर्ड प्लग पिन के टर्मिनेशन और ऑपरेटर्स के टर्मिनेशन को देखते हुए निरीक्षण का संचालन करें। नंबर फोर्थ, अच्छे विद्युत संपर्क और सिरों पर उचित मजबूती के लिए जाँच करें, अगर खराब पाया गया तो प्लग पिन बदल दें। नंबर फाइव पॉइंट है कि लोड लीड और अर्थ के बीच कॉर्ड पर इंसुलेशन परीक्षण करें। नंबर सिक्स, एलिमेंट और अर्थ के बीच कॉर्ड पर इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मापें। नंबर सेवन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के निरीक्षण निचले कवर की ध्यान रखते हुए गीजर की सप्लाई से कनेक्ट करें और उपकरण को ऑन करें। नंबर एट, इंस्पेक्शन करें कि ताप थर्मोस्टेट के क्रियान्वयन से बाहर है, क्योंकि समय गीजर और थर्मोस्टेट सेटिंग की क्षमता पर निर्भर करता है। नंबर नाइन, सप्लाई बंद करें और प्लग को हटा दें। नंबर टेन, थर्मोस्टेट एंड हीटर ऑब्लिक थर्मोस्टेट के बॉडी के बीच मान को मापें जबकि यह गर्म हो, और मान को रिकॉर्ड करें। नंबर 11, थर्मोस्टेट ऑब्लिक हीटर इकाई को बदले यानी इंसुलेशन प्रतिरोध का मान 1 MΩ से कम होना चाहिए। नंबर 12, इंस्पेक्शन कवर को दोबारा लगाएं और इसका परीक्षण करें, दोबारा लगाने से पहले स्क्रू पर ग्रीस लगा दें।
गीजर की मरम्मत करना, ग्राहकों की शिकायतों को सुनें और उसे नोट करें। आम तौर पर निम्नलिखित दोष होते हैं, गर्म पानी नहीं होता है, गर्म पर्याप्त गर्म नहीं होता है, पानी बहुत गर्म होता है इत्यादि। तो इसके वीडियो डिटेल अलग से दे दिया गया है। सिर्फ कार्य में सावधानी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पावर प्लग को हटाने से पहले यह सुनिश्चित और जांच करें कि स्विच बंद है। नंबर सेकंड है कि इंसुलेशन प्रतिरोध का न्यूनतम मान 1 ओम होना चाहिए। यदि यह 1 मेगा ओम से कम है तो गीजर की मरम्मत करें और दोष को सुधारें। गीजर की केबल कंटेनर में पानी के साथ ही ऑन किया जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, कवर खोलने से पहले सप्लाई बंद करें और प्लग से हटा दें। तो इस प्रकार इस वीडियो में गीजर और मेंटेनेंस के बारे में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में दे दिया गया है। और कस्टमर के कॉम्प्लेंट के कारण और रिमेडी को इसके पहले वाले वीडियो में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिकल के प्रशिक्षणार्थी अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। यह वीडियो सर सैयद टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर अकबरपुर बार द्वारा फॉरवर्डेड है, जो कि भारत सरकार NCVT DGET से मान्यता प्राप्त है। DGET का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, मानी रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय। धन्यवाद।